गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है, भगवंत मान ने सीएम बनने के साथ ही एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप उसे रिश्वत दे दीजिएगा, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग करके आप मुझे भेज दीजिएगा। और ये बात जो है ठीक उसी तरीके से मैं कहूँ कि जिस तरीके से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार ऐलान किया था और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को हैंडल किया, शायद से वो पंजाब को भी उसी तरीके से हैंडल करने की रणनीति बना रहे हैं। मान ने कहा है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा जो उन्हें अभी देना है, इसके बाद अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें और उनका जो ऑफिस है वो उस पर कड़ी जांच करेगा, कार्रवाई करेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो रिश्वत मांगेगा। भगवंत मान ने दिल्ली का उदाहरण भी दिया और उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल सरकार में आए थे तो उन्होंने 50 दिन से पहले ही अपना एक ऐसा नंबर जारी किया था, जिसके बाद वहाँ से भ्रष्टाचार धीरे 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 ख़त्म होना शुरू हुआ। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि पूरी तरह से केजरीवाल भ्रष्टाचार ख़त्म कर पाए हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब में भी भ्रष्टाचारियों पर इसी तरीके से नकेल कसी जाएगी। पंजाब के लोगों ने उन्हें वोट देकर के अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब उनकी बारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने की। तो उन्होंने फिर एक बार दोहराया कि करप्शन फ्री सरकार जो है वो पंजाब को देने वाले हैं और उन्होंने साथ इसमें ये भी एड ऑन किया कि अगर अफसर ईमानदार है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे, और अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो उसको कतई छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल जो है दिल्ली के जो सीएम है उनकी भी तारीफ की, जिनके कारण वो आज खुद भी सीएम की कुर्सी पे आसीन हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने दिल्ली में ये अभियान छेड़ा था तो भ्रष्टाचारी डरने लगे थे। अगर कोई भी अफसर रिश्वत मांगता था तो पहले लोग पूछते थे मोबाइल निकालूं क्या, इसे करप्शन ख़त्म हो गई। पर अब इसी तरीके से पंजाब में भी करप्शन को ख़त्म करने की उन्होंने कमर कस ली है। मैं आपको बता दूं कि पहली बार पंजाब में आपने सरकार बनाई है, बल्कि ये कहिए कि दिल्ली के बाद उन्होंने पहली बार कहीं अपनी सरकार बनाई है। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और 117 में से 92 सीटों पे जीत हासिल की। सत्ता में रही कांग्रेस केवल 18 सीटों में सिमट गई, जबकि अकाली दल को सिर्फ 3 सीटें मिली। तो ये मानिए कि पंजाब के लोगों ने एक बदलाव को वोट किया और मान को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीएम का चेहरा दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट? आप अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ, किसी नई खबर के साथ, किसी नए किस्से के साथ। जय हिंद, जय भारत।